हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने फ्लो थ्रू पाइप स्टार्ट किया था, जिसमें आपने देखा था मेजर लॉस, फिर हमने माइनर लॉस के बारे में बात किया था, और मैंने आपको तीन माइनर लॉस के बारे में बता दिया था। फर्स्ट मैंने बताया था आपका लॉसेज ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ पाइप, फिर सेकेंड हमने देखा था लॉस एट एग्जिट, और फिर थर्ड था हमारा सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस। अब आज के इस सेशन में हम लोग इंट्रेंस लॉस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका नंबर फोर है, और ये भी क्या है, ये भी आपका माइनर लॉस ही है। ठीक है, तो आइए इसको इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश कीजिए आप कि इंट्रेंस लॉस, नाम से ही लग रहा है कि इंट्रेंस पर, यानी पाइप के इंट्रेंस पर भी कुछ लॉस होता है। कैसे लॉस होगा, आइए समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका रिजर्वायर है, ये आपका रिजर्वायर है, ठीक है, रिजर्वायर है, इसमें आपका फ्लूड है, और इस रिजर्वायर से आपका कोई पाइप कनेक्ट हुआ है। यहाँ से मान लीजिए कोई पाइप कनेक्ट है, ये आपका पाइप। तो इस रिजर्वायर से जब ये पाइप कनेक्ट हुआ है, तो इसका इंट्रेंस ये हुआ, ये इंट्रेंस हुआ जी, यहाँ पर भी लॉस होता है। क्यों लॉस होगा, तो बस ध्यान दीजिए, ठीक है, आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर लॉस क्यों होता है। ये रिजर्वायर है, इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है, और पाइप के इनलेट पर, पाइप के इंट्रेंस पर एरिया काफ़ी कम है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एकाएक एरिया डिक्रीज कर गया। यहाँ पर एरिया काफ़ी ज़्यादा था, बट यहाँ पर क्या हुआ, एरिया एकाएक डिक्रीज कर गया, सडन कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। यानी ये कौन सा लॉस यहाँ पर हमें मिलेगा, सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस मिलेगा। पाइप के एग्जिट पर हमें सडन एक्सपेंशन मिलता है, यहाँ पर सडन एक्सपेंड कर रहा है, बट इंट्रेंस पर सडन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यही चीज़ आपको समझना है। अभी तक हम लोग चार लॉस जो पढ़े हैं, माइनर लॉस, बेसिकली देखा जाए तो हम लोग अभी तक दो ही टाइप के लॉस पढ़े हैं, एक सडन एक्सपेंशन और एक सडन कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड जो है आपका लॉस एट एग्जिट, वो भी क्या है, आपका सडन एक्सपेंशन है। एंड फोर्थ आपका इंट्रेंस लॉस जो है, ये आपका क्या है, सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस। बात समझ में आ रहा, तो ये भी आपका क्या है, सडन कॉन्ट्रैक्शन, और ये है सडन एक्सपेंशन। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने सिर्फ दो ही माइनर लॉस के बारे में बात किया है, बट उसका नाम चेंज हो गया है, इंट्रेंस लॉस नाम रख दिया गया है, कि पाइप के इंट्रेंस पर भी लॉस होता है, क्योंकि एरिया में एकाएक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। बात समझ में आ गया। कभी भी यदि आपसे पूछा जाए कि इंट्रेंस लॉस क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कि इट इज़ सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस। ओके, तो आइए मैं इसके बारे में आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए कि इस पाइप में वेलोसिटी भी है। ओके, सो इंट्रेंस लॉस इज सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस, सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस, एंड इट इज गिवेन एज, एंड इट इज गिवेन एज, यानी हेड लॉस एट द इंट्रेंस। अब देखिए, चूंकि ये सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस है, और सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 0.5 V² / 2G, 0.5 V² / 2G। वहाँ पर आपने देखा था 0.5 V² / 2G था, ठीक है, जो स्मॉलर डायमीटर पाइप में जो फ्लूड का वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्मॉलर डायमीटर का पाइप ये है, और उसमें फ्लूड का वेलोसिटी भी है, तो हमने यहाँ पर भी ही लिया है, दैट मीन्स V² / 2G। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। सो हेड लॉस एट द इंट्रेंस ऑफ पाइप इज नथिंग बट सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस, एंड इट इज इक्वल टू 0.5 V² / 2G। आई होप कि आपको ये चीज़ याद रहेगा। तो अभी तक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब एक और टाइप का लॉस है, वो भी हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान देंगे आप। नंबर फाइव, बेंड लॉस।
बैंड लॉस। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि बैंड लॉस होता क्या है। ठीक है, अभी तक आपने जो भी चारों लॉस के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, एक चीज़ आपने माय डियर फ्रेंड आपने नोटिस किया होगा कि माइनर हेड लॉस जो होता है माइनर हेड लॉस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है माय डियर, वी स्क्वायर बाय 2g। आपने ये गौर किया होगा, ठीक है, चार तरह का हमने माइनर लॉस पढ़ा है अभी तक, और उसमें हर एक के एक्सप्रेशन में आपने देखा होगा कि वी स्क्वायर बाय 2g तो है ही। जैसे सडन कॉन्ट्रैक्शन में भी आपने देखा था 0.5 वी स्क्वायर बाय 2g, तो वी स्क्वायर बाय 2g यहाँ पर भी है और इंट्रेंस में भी है। उसी तरह लॉस एट एग्जिट या सडन एक्सपेंशन लॉस में भी आप याद कीजिए, फॉर्मूला मैंने बताया था वहाँ पर v1 square by 2g था, तो v square by 2g तो वहाँ पर भी है। तो जितने भी माइनर लॉस होते हैं वो सभी हेड लॉस जो होगा वो v square by 2g के प्रोपोर्शनल होगा। तो बस अंतर क्या है, बस अंतर है वहाँ पर कांस्टेंट का अंतर है, ठीक है, कांस्टेंट वैरी करेगा। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा माय डियर फ्रेंड, HL माइनर हेड लॉस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा v square by 2g। इस तरह आप लिखेंगे, सेम इसी तरीके से हम लोग बेंड लॉस को लिखेंगे, हेड लॉस ड्यू टू पाइप बेंड विल बी इक्वल टू k v square by 2g। इस तरह हम लोग बेंड लॉस को दिखाएंगे। अब यहां पर देखिए k क्या है, वेयर k एक कांस्टेंट है, या सिंपली आप बोल सकते हैं कि ये एक तरह का बेंड फैक्टर है जो कि डिपेंड करेगा कि कितने रेडियस पर पाइप बेंड है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करेगा, एंड एंगल ऑफ बेंड पर डिपेंड करेगा, कितने एंगल से बेंड है, या सिंपली आप ये बोलें कि उस जो बेंड हुआ है यानी कर्वेचर उसका रेडियस कितना है, उस पर डिपेंड करता है के का वैल्यू। ठीक है, तो के को आप क्या बोलेंगे, के इज बेसिकली ए बेंड फैक्टर, which depends on radius of curvature of band and angle of band। ये जो k का value है, ठीक है, ये आपका डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बैंड एंड एंगल ऑफ बैंड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये था माय डियर फ्रेंड बैंड लॉस। बात समझ में आ गया, तो जितने भी माइनर लॉस होते हैं, माइनर हेड लॉस होते हैं, वो प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाय 2g, या सिंपली आप ये बोलेंगे कि काइनेटिक हेड के प्रोपोर्शनल होता है। वी स्क्वायर बाय 2g को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक हेड। सो every minor loss will be directly proportional to kinetic head, और जब proportionality sign यहाँ से remove करेंगे तो constant आएगा, तो सभी minor loss का values जो है वो constant से ही differ करता है। ठीक है, तो ये था my dear friend minor loss, I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक example के through मैं आपको मेजर लॉस और माइनर लॉस समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक छोटा सा एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए देखिए, मान लीजिए कि आपको एक रिजर्वायर दिया गया है, ध्यान देंगे आप लोग, मान लीजिए
ये आपका रिजर्वायर है, दिस इज योर रिजर्वायर, और यहां से एक पाइप कनेक्ट है। मान लीजिए कि यहां से एक पाइप कनेक्ट है और ये पाइप यहां से बेंड हो गया है। ओके, ये पाइप फिर यहां पर बेंड हो गया है और यहां पर इसका एरिया इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स ये एक्सपेंड कर गया, इसका एक्सपेंशन हो गया। ये पाइप है और फिर ये आपका पाइप हो गया, ठीक है। इस तरह आपका पाइप दिया हुआ है। ओके, देखिए इस तरह का आपका कनेक्शन दिया गया है, ये आपका रिजर्वायर है, इससे पाइप जुड़ा हुआ है। फर्स्ट पाइप, दिस इज सेकेंड पाइप एंड दिस इज योर थर्ड पाइप, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट पाइप, ये आपका सेकेंड पाइप और ये आपका थर्ड पाइप। इस फर्स्ट पाइप का लेंथ L1, डायमीटर D1, इस सेकेंड पाइप का लेंथ है L2 और डायमीटर D2, और इस पाइप का लेंथ L3, डायमीटर D3। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बाबू ठीक है, अब यहाँ पर टोटल हेड लॉस क्या होगा? टोटल हेड लॉस, टोटल हेड लॉस आप कैसे लिखेंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। ओके, टोटल हेड लॉस का मतलब है कि आपको मेजर लॉस और माइनर लॉस दोनों को लिखना पड़ेगा, मेजर प्लस माइनर दोनों को लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक फ्लूड फ्लो करने में टोटल कितना लॉस हो सकता है, ये आपको यहाँ पर लिखना है, उसका एक्सप्रेशन लिखना है। ओके, आइए देखिए, तो ध्यान देंगे आप, टोटल हेड लॉस, तो इसे आप क्या लिखेंगे, HLT टोटल, यानी HLT इज इक्वल टू क्या होगा, यानी मेजर लॉस प्लस माइनर लॉस दोनों आपको लिखना पड़ेगा, मेजर लॉस प्लस माइनर लॉस। ओके, सो टोटल हेड लॉस विल बी इक्वल टू, मेजर लॉस का मतलब क्या है माय डियर, मेजर लॉस का मतलब है, ठीक है, कि इस पाइप में जो मेजर लॉस हुआ होगा फ्रिक्शन के कारण जो हेड लॉस हुआ होगा, प्लस इस पाइप में फ्रिक्शन के कारण जो हेड लॉस हुआ होगा, फिर प्लस इस पाइप में जो फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस हुआ होगा, तो वो आप लिख देंगे तीनों को ऐड करके, वो आपका मेजर लॉस हो गया। फिर माइनर लॉस, माइनर लॉस में क्या होगा, जितने भी टाइप का आप लॉस पढ़े हैं माइनर लॉस, वो सभी आपको यहाँ पर फिगर को देख कर लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ से लॉस को लिखना शुरू करता हूँ और डायरेक्ट लिखते लिखते हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। दैट मीन्स टोटल लॉस को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दे रहा हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर देंगे मेजर प्लस माइनर करके। बात समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से फ्लूड फ्लो करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर जैसे फ्लो स्टार्ट होगा माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर कौन सा लॉस होगा, अभी अभी आपने पढ़ा है ये एरिया ज़्यादा है ये एरिया कम है, तो ज़्यादा एरिया से कम एरिया में फ्लो हो रहा है और यहाँ पर एरिया एकाएक डिक्रीज कर गया है, सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस, और सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस अभी अभी आपने पढ़ा है। तो ये फर्स्ट पाइप है, यहाँ पर वेलोसिटी V1, सेकेंड पाइप है वेलोसिटी V2, यहाँ पर वेलोसिटी V3, तो इंट्रेंस लॉस क्या हो जाएगा माय डियर, तो आपने पढ़ा है 0.5 × V² / 2g। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी किस पाइप का लेंगे, तो जो स्मॉलर डायमीटर का है, यानी V1² / 2g प्लस। अब यहाँ से फ्लो होते होते माय डियर फ्रेंड यहाँ पर आया, जैसे ही यहाँ पर फ्लो आया, फ्लूड आया, तो ये पाइप बेंड हो चुका है, पाइप बेंड हो चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेंड लॉस। ओके, तो बेंड लॉस क्या होता है, K V² / 2g,
तो यहाँ पर भी क्या होगा, भी वन होगा, तो के भी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस, यानी आपने बेंड लॉस भी ले लिया। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक में देखिए फ्रिक्शन के कारण भी हेड लॉस हुआ होगा, मेजर लॉस हुआ होगा, उसको आप कैसे लिखेंगे, डार्सी विस बैच एफ वन एल वन भी वन स्क्वायर डिवाइड बाय डी वन इंटू टू जी, ये हो गया मेजर लॉस इन द पाइप वन। ओके, अब फ्लो होते होते यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर बेंड हो चुका है पाइप, तो एक और बेंड लॉस होगा, मतलब के भी वन स्क्वायर बाय टू जी। देखिए के भी वन स्क्वायर बाय टू जी दो बार आया है, क्यों, क्योंकि पाइप दो बार बेंड हुआ है तो दो बार हमें लिखना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ से देखिए फ्लूड यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कौन सा लॉस होगा माय डियर, तो ये हो गया आपका सडन एक्सपेंशन, कम डायमीटर है एकाएक यहाँ पर डायमीटर बढ़ गया है पाइप का, तो ये आपका कौन सा केस है, सडन एक्सपेंशन केस है। और सडन एक्सपेंशन केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ का वेलोसिटी माइनस यहाँ का वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाय टू जी, तो यहाँ का वेलोसिटी क्या है भी वन माइनस भी टू, भी वन माइनस भी टू का होल स्क्वायर बाय टू जी। ओके, तो ये लॉस आपने लिख लिया। फिर देखिए फिर यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने में फिर यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस होगा, मतलब मेजर लॉस होगा, वो भी आपको लिखना पड़ेगा, यानी सेकेंड पाइप में मेजर लॉस कितना होगा, तो आप कैसे लिखेंगे, एफ टू एल टू भी टू स्क्वायर डिवाइड बाय डी टू इंटू टू जी प्लस, आपने मेजर लॉस को भी यहाँ पर लिख लिया। फिर यहाँ पर जब फ्लो हो रहा होगा तो यहाँ पर भी लॉस होगा, कौन सा लॉस होगा, ज़्यादा डायमीटर से एकाएक क्या हुआ है, डायमीटर घट गया है, एरिया घट गया है, दैट मीन्स ये सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस है। सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस में आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 0.5 भी स्क्वायर बाई टू जी, कौन सा वेलोसिटी होगा, स्मॉलर डायमीटर पाइप का, यानी भी थ्री स्क्वायर बाई टू जी। सो सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस आप ले लिए हैं। फिर देखिए फिर यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने में मेजर लॉस होगा, फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस होगा थर्ड पाइप में, वो भी आपको लिखना पड़ेगा, एफ थ्री एल थ्री भी थ्री स्क्वायर डिवाइड बाय डी थ्री इंटू टू जी प्लस। अब लास्ट में आप यहाँ पहुँच गए हैं, तो फ्लो अब यहाँ से बाहर हो जाएगा, और फ्लो जब यहाँ से बाहर होगा तो यहाँ पर कौन सा लॉस होगा, एग्जिट लॉस होगा, और एग्जिट लॉस कौन सा केस है माय डियर, तो एग्जिट लॉस आपका क्या है, ये सडन एक्सपेंशन लॉस है, जिसमें ए टू हमारा इन्फिनाइट हो जाता है, और उस टाइम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भी थ्री स्क्वायर बाय टू जी। एग्जिट लॉस मैंने बताया था भी स्क्वायर बाय टू जी, तो वहां पर कौन सा वेलोसिटी होगा, थर्ड पाइप में जहां से फ्लूड एग्जिट हो रहा है उसी पाइप में फ्लूड का जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी आपको लिखना होगा, भी थ्री स्क्वायर बाय टू जी। देखिए माय डियर टोटल हेड लॉस हमने लिख दिया, टोटल हेड लॉस हमने क्या किया, लिख दिया है। अब यहां से इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह आप अगर क्वेश्चन में बोला जाए तो आप टोटल हेड लॉस को इसी तरह लिखेंगे, आप मेजर प्लस माइनर कर देंगे, और जितना भी मेजर और माइनर लॉस आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा जो आपको दिखेगा वो सभी आपको लिखना पड़ेगा। अब आप इसको, आप इस टोटल हेड लॉस को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब पहले मेजर फिर प्लस माइनर करके लिख सकते हैं, तो आइए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सो टोटल हेड लॉस, पहले आप मेजर लिख दीजिए, एफ वन एल वन भी वन स्क्वायर डिवाइड बाय डी वन इंटू टू जी प्लस एफ टू एल टू भी टू स्क्वायर डिवाइड बाय डी टू इंटू टू जी प्लस एफ थ्री एल थ्री भी थ्री स्क्वायर डिवाइड बाय डी थ्री इंटू टू जी प्लस। देखिए मेजर हो चुका है, मेजर लॉस हमने लिख लिया, अब हम लिखेंगे माइनर लॉस, तो देखिए ये होगा प्लस 0.5, जितने भी माइनर बच गए हैं आप उनको लिख दीजिए, प्लस के भी वन स्क्वायर बाय टू जी, फिर
के वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी प्लस 0.5 वी थ्री स्क्वायर बाई टू जी प्लस वी थ्री स्क्वायर बाई टू जी। तो देखिए हमने मेजर और माइनर करके लिख दिया है, ये हमारा हो गया मेजर लॉस, ये हमारा हो गया मेजर लॉस और ये हमारा हो गया टोटल माइनर लॉस, माइनर लॉस। तो टोटल हेड लॉस इज इक्वल टू मेजर प्लस माइनर, जो कि मैंने यहां पे लिखा था वही मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस में आपको ये बोल दिया जाएगा कि बाबू माइनर लॉस कंसीडर मत कीजिए, वहां पे लिखा रहेगा नेग्लेक्टिंग माइनर लॉसेस। तो जहां पर आपको ऐसा बोला जाए कि माइनर लॉस को नेग्लेक्ट कर दीजिए तो आप ये पूरा नहीं लिखेंगे, वहाँ पर सिर्फ मेजर लॉस लिखेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाता कि सिर्फ मेजर लॉस कंसीडर कीजिए तो फिर हम लोग सिर्फ इसी को लिखते, ये नहीं लिखते। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है कि मेजर या माइनर के बारे में, तो फिर आप वहाँ पर टोटल हेड लॉस लिखेंगे, मेजर प्लस माइनर करके लिखेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो जितने भी लॉसेस थे वो हमने वन बाय वन करके अच्छे तरीके से देख लिया है। ठीक है, मैंने आपको डेरिवेशन नहीं बताया क्योंकि डेरिवेशन आपके काम का नहीं था। ठीक है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और फिर यहाँ से थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है ना, हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं माय डियर फ्रेंड, वो सभी क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। आप टेंशन मत लीजिए कि सर सिर्फ थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है इस बोर्ड पर। ठीक है, बट हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपका FM पूरा सब्जेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा, जैसे ही फ्लूड मैकेनिक्स कम्प्लीट होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं या जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस पहले हम करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग फ्लूइड मशीनरी यानी हाइड्रोलिक मशीन स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गया? तो पहले फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे फिर, और फिर उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन स्टार्ट होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप बस अच्छे से पढ़ते जाइए। अभी हम लोग थ्योरी अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं, बीच बीच में मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करवा ही रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में अगर बात किया जाए कि सर बहुत सारा क्वेश्चंस करवाइए, ठीक है, तो वो सभी हम लोग अलग से सेशन लेकर सिर्फ क्वेश्चंस का ही सेशन लेंगे और फिर आपको सारा क्वेश्चंस करवा देंगे। ओके, तो चलिए ये तो आपका हो गया मेजर लॉस माइनर लॉस। ठीक है, दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो थ्रू पाइप में, वो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जिसे हम लोग शॉर्ट में HGL बोलते हैं, एंड टोटल एनर्जी लाइन, एंड टोटल एनर्जी लाइन हम लोग इसे TEL बोलते हैं, शॉर्ट में TEL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन, ये दो लाइन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए, तो हम लोग यहाँ पर इस दोनों को देखेंगे अच्छे से और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये समझने से पहले मैं आपको एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिगर के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए ध्यान देंगे आप लोग। मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, एक पाइप है, ये आपका पाइप है, दिस इज योर पाइप, ये इस पाइप का सेंटर लाइन है, और
यहाँ पर इस पाइप में एक फ्लूड फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ एक फ्लूड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक डैटम लाइन है, एक डैटम लाइन आप एज्यूम कर लीजिए, दिस इज आवर डैटम लाइन। और इस डैटम लाइन से, ठीक है, हम लोग पोटेंशियल हेड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस यहाँ पर आप कोई भी दो पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, दिस इज पॉइंट वन एंड दिस इज पॉइंट टू। इस वन पॉइंट का, इस वन पॉइंट का पोटेंशियल हेड डैटम लाइन से जेड वन है और इस टू पॉइंट का पोटेंशियल हेड डैटम लाइन से जेड टू है, ओके। चलिए, फिर मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए कि जैसे ही इधर से फ्लो होना शुरू हुआ तो इस पॉइंट पे प्रेशर हेड ज़्यादा होगा लेकिन इस पॉइंट पर प्रेशर हेड कम होगा, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण प्रेशर का लॉस हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक आने में प्रेशर का लॉस हो जाता है, दैट मीन्स हेड लॉस हो जाता है, उसे ही हम लोग हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वन पॉइंट पे प्रेशर हेड ज़्यादा होगा, टू पॉइंट पे प्रेशर हेड कम होगा, ओके। आइए तो उसको आप यहाँ पर शो कर दीजिए, यहाँ पर आप उसे शो कर दीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर भी हम लोग टू पॉइंट पर प्रेशर हेड शो करेंगे, टू पॉइंट पर हम लोग प्रेशर हेड को शो करेंगे। आइए देखिए, तो वन पॉइंट पे मान लीजिए प्रेशर हेड ज़्यादा है, मानना क्या है, ज़्यादा तो होगा ही, ठीक है, यहाँ तक ये आपका प्रेशर हेड हो गया इस वन पॉइंट पर पी वन बाय रो जी। फिर यहाँ पर ये वाला आपका प्रेशर हेड हो गया पी टू बाय रो जी, ओके। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आप क्या देख रहे हैं, ध्यान से समझिए, आप क्या देख रहे हैं कि इस वन पॉइंट पे पोटेंशियल हेड कितना है जेड वन, इस टू पॉइंट पर पोटेंशियल हेड कितना है जेड टू, इस वन पॉइंट पे प्रेशर हेड कितना है पी वन बाय रो जी एंड यहाँ पर प्रेशर हेड कितना है पी टू बाय रो जी। अब याद कीजिए, मैंने आपको एक पीजोमेट्रिक हेड करके बताया था, पीजोमेट्रिक हेड वो क्या होता है, प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड, यानी डैटम लाइन से प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड जो मिलेगा वो कौन सा पॉइंट मिलेगा, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, आपको ये पॉइंट मिलेगा। यानी ये जो पॉइंट हम मार्क कर रहे हैं, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट ये शो कर रहा है कि वन पॉइंट पे टोटल पिजोमेट्रिक हेड कितना है। अगर आपसे पूछा जाए कि वन पॉइंट पे टोटल पिजोमेट्रिक हेड कितना है, तो आप ये पॉइंट शो कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला टोटल हेड जो है वो पिजोमेट्रिक हेड है। यानी वन पॉइंट का पिजोमेट्रिक हेड पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला होगा। उसी तरह टू पॉइंट पे पिजोमेट्रिक हेड कितना होगा, जेड टू प्लस पी टू बाय रो जी, यानी ये पॉइंट आपका पिजोमेट्रिक हेड पॉइंट है। उसी तरह माय डियर, आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पिजोमेट्रिक हेड पॉइंट यहाँ है और टू पॉइंट पर पिजोमेट्रिक हेड पॉइंट यहाँ है, ये थोड़ा सा नीचे है। क्यों नीचे है, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज किया है इसीलिए। जेड वन और जेड टू तो सेम है लेकिन प्रेशर हेड डिक्रीज किया है इसीलिए पिजोमेट्रिक हेड भी डिक्रीज कर गया है। अब देखिए, अगर यहाँ पर बोला जाए यहाँ पर कितना होगा पिजोमेट्रिक हेड, तो इससे थोड़ा नीचे होगा। फिर यहाँ अगर बोला जाए तो यहाँ होगा, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, दैट मीन्स जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं सभी पॉइंट पर पिजोमेट्रिक हेड अलग अलग होगा, सभी पॉइंट पर पिजोमेट्रिक हेड अलग अलग होगा। इस पॉइंट पर पिजोमेट्रिक हेड ये है, इस पॉइंट पर पिजोमेट्रिक हेड ये है, उसी तरह इसके बगल में यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पे पिजोमेट्रिक हेड थोड़ा घट जाएगा, सॉरी, उसी तरह इस पॉइंट पे पिजोमेट्रिक हेड थोड़ा सा और डिक्रीज कर जाएगा,
फिर यहाँ पर प्रिज्मेट्रिक हेड थोड़ा और डिक्रीज करेगा, यहाँ पर थोड़ा सा और डिक्रीज करेगा, और फिर लास्ट में यहाँ पर ये वाला आपका प्रिज्मेट्रिक हेड पॉइंट हो जाएगा। तो जितने भी प्रिज्मेट्रिक हेड पॉइंट मिल रहे हैं फ्लो में, ध्यान से सुनिए, फ्लो में जितने भी प्रिज्मेट्रिक हेड पॉइंट मिलते हैं, अगर उन सभी प्रिज्मेट्रिक हेड पॉइंट को हम लोग एक लाइन से मिला दें तो उस लाइन को हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहते हैं। ऐसा लाइन जो फ्लो में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर जो प्रिज्मेट्रिक हेड होगा उस सभी प्रिज्मेट्रिक हेड को जो लाइन मिला दे, ठीक है, उस लाइन को हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहते हैं। द लाइन विच ज्वाइंस प्रिज्मेट्रिक हेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन ए फ्लो इज कॉल्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब आप इसे मिला सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। यही हो गया आपका HGL, दिस इज योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। देख लीजिए आप, इस पॉइंट पे अगर बोला जाएगा तो इस पॉइंट पर प्रिज्मेट्रिक हेड देखिए, ये पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट पर अगर प्रिज्मेट्रिक हेड पूछा जाए तो ये पॉइंट मिलेगा। उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर ये सभी क्या है, प्रिज्मेट्रिक हेड है, और हमने उसको एक लाइन से मिला दिया और उसी लाइन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एच जी एल का डेफिनेशन देख लीजिए। द लाइन विच ज्वाइंस द प्रिज्मेट्रिक हेड the line which joins the prismatic heads at different points in a flow is called hydraulic gradient line इसका मतलब यह है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में कौन सा टर्म रहता है जी, तो ये रहता है पी बाय रोजी प्लस जेड, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रिज्मेट्रिक हेड। ये भी आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन किस हेड के लिए है, किस हेड के लिए होता है, तो आप क्या बोलेंगे, सर प्रिज्मेट्रिक हेड के लिए होता है। ओके, चलिए अब देखिए, अब यदि आपसे बोला जाए, ध्यान से देखेंगे आप, इसी प्रिज्मेट्रिक हेड में अगर हम लोग डायनामिक हेड या काइनेटिक हेड को ऐड कर दें, प्रिज्मेट्रिक हेड में यदि हम काइनेटिक हेड को ऐड कर दें तो वो हमारा क्या मिल जाएगा, तो हमें टोटल हेड मिल जाएगा, टोटल हेड। तो बस अब वही करना है। तो अगर आपको बोला जाए कि बाबू इस वन पॉइंट पे टोटल हेड कितना होगा, आपने तो प्रिज्मेट्रिक हेड पॉइंट मार्क किया है, तो वन पॉइंट पे टोटल हेड कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर प्रिज्मेट्रिक हेड यहाँ पर है, और अगर प्रिज्मेट्रिक हेड में हम काइनेटिक हेड को ऐड कर दें, यानी यहाँ पर यदि हम काइनेटिक हेड को ऐड कर दें तो हमें टोटल हेड मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि वो पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, और ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर V1 square by 2Z, यही होगा ना जी। यानी इस पॉइंट पे यदि प्रिज्मेट्रिक हेड में यदि हम काइनेटिक हेड को ऐड कर दें तो हमें टोटल हेड मिल जाएगा। मतलब इस वन पॉइंट पे टोटल हेड कितना है, आप देख सकते हैं डेटम लाइन से, हम देखते हैं पोटेंशियल हेड Z1 प्लस P1 by rho Z प्लस V1 square by 2Z, यानी आप यहां पहुंच गए। सो दिस पॉइंट डिनोट्स टोटल हेड एट पॉइंट वन। उसी तरह इस टू पॉइंट पर भी टोटल हेड कितना होगा, तो उसमें हमें क्या जोड़ना होगा, उसमें हमें जोड़ना होगा काइनेटिक हेड। सो मान लीजिए कि ये पॉइंट आपको मिल गया,
और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हो जाएगा वी टू स्क्वायर बाई टू जी। तो वन पॉइंट पे टोटल हेड इतना है, टू पॉइंट पर टोटल हेड उतना ही है, उतना है। और अगर इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर बोला जाए तो इस पॉइंट पे टोटल हेड थोड़ा घट जाएगा, फिर थोड़ा सा घटेगा, तो जैसे जैसे फ्लो होते जाएगा टोटल हेड घटते जाएगा। क्यों घटेगा टोटल हेड? तो माय डियर फ्रेंड, टोटल हेड देखिए ये है, तो टोटल हेड घट सकता है, इन तीनों में से कोई भी घटेगा, कोई एक भी अगर घट गया तो टोटल हेड घट जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप क्या बोलेंगे कि सर जेड तो नहीं घट रहा है, यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने में जेड तो नहीं घट रहा है। तो छोड़िए, जेड को छोड़ दीजिए, अब बच रहा है दो टर्म, एक प्रेशर हेड और एक काइनेटिक हेड। तो देखिए इस पाइप का एरिया सेम है, इस पाइप का एरिया सेम है, तो डिस्चार्ज क्या होता है, ए वन वी वन, ए टू वी टू, एरिया सेम है माय डियर, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम होगा। अगर पाइप का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा तो वहाँ पर वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर सेम होता है, यानी यहाँ जितना वेलोसिटी होगा उतना ही वेलोसिटी यहाँ पर होगा। मतलब ये हुआ कि वी वन स्क्वायर बाई टू जी और वी टू स्क्वायर बाई टू जी दोनों सेम है, पोटेंशियल हेड भी सेम है, काइनेटिक हेड भी सेम है, तो इन दोनों टर्म को तो छोड़ दीजिए, यानी टोटल हेड चेंज कर रहा है सिर्फ प्रेशर हेड में चेंज के कारण, और प्रेशर हेड तो चेंज कर ही रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने में चूंकि प्रेशर हेड घट रहा है तो टोटल हेड भी घटेगा, टोटल हेड भी घटेगा, लेकिन धीरे धीरे घटेगा जिस तरह हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन डिक्रीज हुआ था। तो आइए यहाँ पर आप टी ई एल को शो कर दीजिए, ये हो गया आपका टी ई एल, दिस इज योर टी ई एल, टोटल एनर्जी लाइन, और सभी पॉइंट पे करस्पॉन्डिंग देखिए टोटल एनर्जी वो इस तरह होगा, ठीक है, टोटल एनर्जी इस तरह होगा। सो दिस इज योर टी ई एल, मतलब फ्लो अगर हो रहा है तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर जितना भी टोटल हेड होगा उस सभी टोटल हेड पॉइंट्स को जिस लाइन से हम लोग मिलाएंगे उसी लाइन को हम टोटल एनर्जी लाइन कहते हैं। ओके, तो आइए इसका डेफिनेशन लिख दिया जाए, टी ई एल टोटल एनर्जी लाइन का डेफिनेशन क्या होगा, द लाइन विच जॉइंस ऑल, लिख दीजिए ऑल, ऑल द प्रिज्मेट्रिक हेड, उसी तरह द लाइन विच जॉइंस ऑल द टोटल हेड, ऑल द टोटल हेड एट वेरियस पॉइंट्स इन ए फ्लो, एट वेरियस पॉइंट्स इन ए फ्लो इज कॉल्ड टोटल एनर्जी लाइन। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या है और टोटल एनर्जी लाइन क्या है। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि टी ई एल और एच जी एल जो लाइन है इसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इन दोनों लाइन के बीच का जो गैपिंग है ये गैपिंग क्या डिनोट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे आप कि सर काइनेटिक हेड को डिनोट कर रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टी ई एल एंड एच जी एल लाइन गिव्स काइनेटिक हेड, देखिए ना सभी पॉइंट्स पर, अगर इस पॉइंट पे देखा जाए, इस पॉइंट पे देखा जाए, तो ये पॉइंट शो कर रहा है प्रिज्मेट्रिक हेड, ये पॉइंट शो कर रहा है टोटल हेड, तो दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, काइनेटिक हेड, उसी तरह सभी पॉइंट्स पर। और ये दोनों लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है, देखिए आप पैरेलल आप शो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं वो भी हम लोग वन बाय वन करके देख लेते हैं। ये आपका बेसिक था कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है, टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है, तो बेसिक मैंने आपको बता दिया।
चलिए अब एक और फिगर के हेल्प से हम लोग इसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ये तो आपका सिंपल सा पाइप था यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, तो यहाँ पर तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको क्रॉस सेक्शन चेंज करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप HGL और TEL कैसे ड्रॉ करेंगे, आइए वो भी आप देख लीजिए। मान लीजिए माय डियर, ये पाइप है और इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एकाएक चेंज कर गया, एकाएक चेंज कर गया, ठीक है। ये आपका फिगर है और यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है। अब आपसे बोला जा रहा है कि बाबू इसका HGL और TEL ड्रॉ करके दिखाओ, HGL और TEL ड्रॉ करके दिखाओ। आइए देखिए, यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं और एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, तीन पॉइंट हम लोग मान रहे हैं। तो इस वन पॉइंट पे मान लीजिए कि ये आपका HGL है, मतलब इस वन पॉइंट पे प्रिज्मेट्रिक हेड पॉइंट ये वाला है। थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर है इस पॉइंट पर प्रिज्मेट्रिक हेड यहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पर ध्यान देना है, अभी ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। अभी ये पॉइंट हम लोग जो एज्यूम कर रहे हैं, उस टाइम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अभी ये एक एरिया इंक्रीज नहीं हुआ है। थोड़ा देर के लिए ये सोच लीजिए कि अभी ये एरिया इंक्रीज नहीं हुआ है, तो फिर उस टाइम ये पॉइंट यहाँ पर है, तो HGL लाइन कैसा होगा, तो आप अच्छे से जानते हैं HGL लाइन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा HGL। जब ये नहीं है, जब आपका यही क्रॉस सेक्शन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं अभी इसी में, ठीक है। जैसे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते होंगे ना, जैसे आप SFD BMD ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पर एक लोड है, यहाँ पर एक लोड है, यहाँ पर रिएक्शन हो गया, यहाँ पर भी रिएक्शन हो गया, माय डियर फ्रेंड ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया बी मान लीजिए। तो जब भी हम लोग वहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, तो मान लीजिए कि आप इस तरफ से जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं वहाँ पर, आप करते हैं कि सी के जस्ट लेफ्ट, सी से थोड़ा पहले लोड कितना काम कर रहा है, फिर क्या करते हैं सी से थोड़ा राइट, जस्ट राइट कितना काम कर रहा है। तो सी से थोड़ा सा पहले ये वाला हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन सी के जस्ट राइट थोड़ा बाद में देखेंगे, तो फिर ये भी कंसिडर करना पड़ता है। वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि हम लोग ये पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर है, जैसे यहाँ पे आप जस्ट लेफ्ट बोले थे, वही मान लीजिए कि ये पॉइंट जस्ट लेफ्ट इस पॉइंट से थोड़ा पहले तक, तो इस पॉइंट से थोड़ा पहले तक यहाँ पर आपका HGL होगा, प्रेशर हेड यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज कर गया। पोटेंशियल हेड दोनों का सेम है तो उसको छोड़ दीजिए, बट प्रेशर हेड डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट से राइट में आप देखेंगे, इस पॉइंट से थोड़ा पहले देखे तो ये नहीं था, तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट से थोड़ा सा इस तरफ देखेंगे, यानी जस्ट राइट आप कोई पॉइंट मार्क करेंगे, तो उसके लिए क्या हो गया, एरिया चेंज हो गया, मतलब एरिया इंक्रीज हो गया है माय डियर, एरिया बढ़ गया है। जब एरिया बढ़ता है तो कंटिन्यूटी के हेल्प से आप जानते हैं कि वेलोसिटी घटेगा, और फिर बर्नौलीज इक्वेशन के हेल्प से आप क्या बोल सकते हैं कि सर चूंकि वेलोसिटी घट रहा है, मतलब प्रेशर वहां पे इंक्रीज होगा। मतलब माय डियर फ्रेंड, यहां पर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होगा, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, सोचिए यहां से यहां तक आने में प्रेशर घट रहा था तो HGL भी घटा, लेकिन इस पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा माय डियर यहां पर, तो क्या होगा, आपका ये प्रिज्मेट्रिक हेड बढ़ जाएगा। प्रिज्मेट्रिक हेड क्या होता है, P बाय रोजी प्लस जेड,
जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा आपका पिजोमेट्रिक हेड इंक्रीज हो जाएगा, मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इंक्रीज हो जाएगा। उसी पॉइंट पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इंक्रीज हो गया, देखिए इतना इंक्रीज हो गया। ओके, फिर देखिए, यानी इस पॉइंट का इस पॉइंट तक आपने बना लिया, फिर अब यहां से यहां तक फ्लो होगा जी, यहां से यहां तक फ्लो होगा, तो फिर से प्रेशर घटेगा, फिर से प्रेशर घटेगा। पाइप का क्रॉस सेक्शन अब यूनिफॉर्म है ना, इसके बाद देखिए तो पाइप का क्रॉस सेक्शन तो यूनिफॉर्म है ना जी अब, और यहां तो प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ा है अब, लेकिन अब यहां से यहां तक फ्लो होने में अब फिर क्या होगा, प्रेशर घटेगा क्या? हमेशा प्रेशर बढ़ते रहेगा? यहां पर इसको देख के आप क्या समझ रहे हैं कि प्रेशर हमेशा बढ़ते रहेगा? क्यों बढ़ेगा माय डियर? एरिया यहां पर एकाएक चेंज हुआ है, पूरे जगह तो एरिया चेंज नहीं हो रहा है ना। ये एरिया जो इंक्रीज किया है कहां पर? इस पोर्शन में एरिया इंक्रीज हुआ है, पहले छोटा सा एरिया था अब ज्यादा एरिया हो गया है, तो सिर्फ यहीं पर हुआ है ना, तो यहीं पर वेलोसिटी घटेगा और यहीं पर प्रेशर बढ़ेगा। बाद बाकी यहां से जब फ्लो आगे बढ़ेगा तो फ्रिक्शन के कारण तो प्रेशर फिर से घटेगा, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या हो जाएगा माय डियर? यानी इस पॉइंट पर देखिए, फिर से आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन डिक्रीज हो जाएगा। यही है आपका HGL, दिस इज योर HGL फॉर दिस फिगर, ये हो गया आपका HGL। कोई दिक्कत समझने में? ये HGL राइज क्यों हुआ, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन राइज यहां पर क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर एरिया में सडन एक्सपेंशन हो गया, इसीलिए ये राइज किया है। दैट मीन्स दिस राइज इज ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ पाइप। ओके, चलिए तो ये तो हमने ड्रॉ कर दिया, HGL हमने ड्रॉ कर दिया। अब बात करते हैं TEL का, टोटल एनर्जी लाइन का, आइए वो भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट पे पिजोमेट्रिक हेड ये वाला है, तो उसमें यदि हम वेलोसिटी हेड को ऐड कर दें, तो ये पॉइंट हमें मिल गया टोटल हेड का। ओके, फिर उसी तरह इस पॉइंट के थोड़ा सा पहले तक टोटल हेड यदि हम देखेंगे, तो देखिए माय डियर फ्रेंड, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट से थोड़ा पहले तक टोटल हेड घटते जाएगा फ्रिक्शन के कारण, तो देखिए आपका टोटल एनर्जी लाइन इस तरह मिलेगा। लेकिन इस पॉइंट से थोड़ा बाद में अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपका सडन एक्सपेंशन हो रहा है, और सडन एक्सपेंशन के कारण एनर्जी का लॉस होता है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर से सुन लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आने में, इस रेड पॉइंट से थोड़ा पहले तक, तो यहाँ से यहाँ तक आने में आपका फ्रिक्शन के कारण लॉस हो रहा है, दैट मीन्स टोटल एनर्जी थोड़ा सा घटेगा, टोटल एनर्जी घटने लगा, दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, तो ये थोड़ा सा घटा और फिर यहाँ पर पॉइंट आपको मिल गया टोटल हेड एट दिस पॉइंट। अब क्या करेंगे, अब इस रेड पॉइंट के थोड़ा बाद में देखेंगे, कोई एक पॉइंट और लेंगे, तो उस पॉइंट पर क्या हो गया, सडन एक्सपेंशन हो गया, और जब सडन एक्सपेंशन होता है तो अभी कुछ देर पहले ही आपने पढ़ा है, ठीक है, कि वहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। किसका लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है। एक तो एनर्जी यहाँ पर पहले से ही कम है और थोड़ा सा एनर्जी घट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी माय डियर फ्रेंड और घट जाएगा, एनर्जी फॉल हो गया, घट गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ चुके हैं और इस पॉइंट पर टोटल हेड या टोटल एनर्जी कितना है, तो इतना है। फिर देखिए, फिर यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा, तो फिर फ्रिक्शन के कारण लॉस होगा, दैट मीन्स टोटल एनर्जी घटेगा, और आप यहाँ से डायरेक्ट इसको ऐसा बना देंगे और ये दोनों लाइन क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा, ये दोनों
लाइन, सॉरी यही हो गया आपका TEL, टोटल एनर्जी लाइन, दिस इज TEL। और यहां पे टोटल एनर्जी लाइन फॉल क्यों किया है तो आप जानते हैं, HGL राइज क्यों किया है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये डायग्राम हो गया HGL और TEL का, किसके केस में, जब पाइप का क्रॉस सेक्शन एकाएक एक्सपेंड कर रहा हो, सडन एक्सपेंशन हो रहा हो, तो इस तरह का फिगर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा और एक चीज़ देख लेते हैं। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन राइज किया, टोटल एनर्जी लाइन फॉल किया। ठीक है, ओके। चलिए अब एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बस आप लोग ध्यान दीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, कोई भी एग्ज़ाम, मैकेनिकल का कोई भी एग्ज़ाम यदि आप देने जा रहे हैं, तो फ्लूड मैकेनिक्स से उस एग्ज़ाम में मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आएगा ही, मिनिमम, कोई भी एग्ज़ाम हो मिनिमम 10 क्वेश्चन तो रहता ही है, और मैक्सिमम आपका 15 से 20 क्वेश्चन तक पूछता है FM से, फ्लूड मैकेनिक्स से, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, जितना भी फॉर्मूलाज बताया है, वो सभी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, और आगे पढ़ाऊँगा, उतना यदि आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आप लगभग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए माय डियर फ्रेंड, मान लीजिए कि एक पंप है, दिस इज योर पंप, ये आपका पंप है। तो पंप में आप जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं। पंप में आप जानते हैं कि यहाँ पर वर्क डन देना पड़ता है, एनर्जी सप्लाई देना पड़ता है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी लाइन यदि ड्रॉ करने बोला जाए, तो यहाँ से देखिए टोटल एनर्जी लाइन, यहाँ तक हुआ। और जैसे ही आप पंप के पास पहुँचे, तो यहाँ पर वर्क सप्लाई किया गया है, मतलब एनर्जी दिया गया है। तो जब एनर्जी इसको दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी बढ़ जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने में फिर से एनर्जी फॉल करेगा। ये हो गया आपका TEL। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में कि बताइए टोटल एनर्जी लाइन राइज कब कर सकता है, टोटल एनर्जी लाइन राइज कब करेगा। तो आप क्या बोलेंगे, सर सिर्फ एक कंडीशन में राइज कर सकता है कि जब वहां पे एनर्जी इनपुट दिया गया होगा, जब वहां पे एनर्जी इनपुट दिया गया होगा तब टोटल एनर्जी लाइन राइज कर सकता है, अदरवाइज राइज नहीं करेगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन राइज भी कर सकता है, फॉल भी कर सकता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, बट TEL तभी राइज करेगा जब वहां पर एनर्जी इनपुट प्रोवाइड किया गया हो। बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको यहां पर टरबाइन का दिखा देता हूं। ठीक है, ये मान लीजिए आपका टरबाइन है, दिस इज योर टरबाइन। तो टरबाइन में आप जानते हैं कि हमें वर्क मिलता है, यानी टरबाइन आपको वर्क सप्लाई देता है। ठीक है, मतलब एनर्जी सप्लाई देता है। तो सोचिए जब टरबाइन एनर्जी हमें दे रहा है, तो टरबाइन का तो एनर्जी घट गया होगा ना। टरबाइन का एनर्जी मतलब टरबाइन के पास कोई एनर्जी नहीं होता है, टरबाइन में जो फ्लूइड है, यदि आपका गैस टरबाइन है या आपका स्टीम टरबाइन है या आपका वाटर टरबाइन है, जो भी टरबाइन है, तो उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस होगा उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वर्क डन किया है, उसने वर्क हमें दिया है, एनर्जी हमें उसने क्या किया, प्रोवाइड किया, तो उसका अपना एनर्जी तो घटेगा। आइए तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे TEL ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट पे टोटल हेड मान लीजिए कि ये पॉइंट है,
तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या होगा, ये फॉल करेगा, एनर्जी फॉल किया, और यहाँ पर आकर क्या हुआ, इसने वर्क डन दे दिया तो एनर्जी और फॉल करेगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक होने में फिर आपका इस तरह फॉल हो जाएगा। ये हो गया TEL, यानी यहाँ पर देखिए TEL लाइन फॉल कर रहा है, ठीक है। क्यों फॉल किया तो आप जानते हैं। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, HGL लाइन कैन राइज और फॉल बट TEL लाइन कैन राइज ओनली इन केस ऑफ एनर्जी इनपुट, इन केस ऑफ एनर्जी इनपुट। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए, तो आई होप कि आपको एच जी एल एंड टी ई एल पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग सेशन को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, ध्यान देंगे आप लोग, एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आप लोग ध्यान देंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है। एट ए सडन एक्सपेंशन, एट ए सडन एक्सपेंशन ऑफ, एट ए सडन एक्सपेंशन ऑफ वाटर पाइपलाइन from diameter 0.24 meter to 0.48 meter, the hydraulic gradient line rises by 10 mm, then find the discharge। तो discharge बताइए, ये question है, ठीक है। काफ़ी आसान question है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या कह रहा है, अगर इसके पहले जो मैंने आपको फिगर बनाया था जिसमें मैंने आपको सडन एक्सपेंशन दिखाया था, अगर उस फिगर में HGL अगर आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। क्या कह रहा है, एट ए सडन एक्सपेंशन ऑफ वाटर पाइपलाइन फ्रॉम डायमीटर 0.24 टू 0.48, मतलब जिस पॉइंट पर डायमीटर चेंज कर रहा है, सडन एक्सपेंशन हो रहा है 0.24 से 0.48, उसी पॉइंट पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन राइज कर रहा है 10 mm के द्वारा। तो अभी तो मैंने आपको फिगर दिखाया था, याद कीजिए माय डियर, याद कीजिए आप, ये पाइप एकाएक इसका क्रॉस सेक्शन चेंज कर गया, तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन दिखाया, फिर यहाँ इस पॉइंट पर मैंने क्या बताया कि एकाएक एरिया बढ़ गया, एकाएक एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा, दैट मीन्स HGL लाइन राइज कर गया था और फिर यहाँ से फॉल किया। तो ये जो राइज किया, कहाँ पे राइज कर रहा है, तो जहाँ पर एरिया में सडन एक्सपेंशन हो रहा है, इसी पॉइंट पर एरिया एकाएक बढ़ गया, तो उसी पॉइंट पर क्या कह रहा है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन राइज करेगा। यही देखिए, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन राइज कर रहा है, कितना से राइज कर रहा है, 10 mm से राइज कर रहा है, 10 mm से राइज कर रहा है, ठीक है, यही आपको दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप,
थोड़ा सा ध्यान देंगे और मेरी बात को सुनेंगे तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट, देखिए एक पॉइंट इसका मिडिल में होगा, जस्ट इसके मिडिल में। तो यहाँ पे हम दो पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट इसके थोड़ा सा पहले, एक पॉइंट थोड़ा सा बाद में। ध्यान से समझेंगे आप, एक पॉइंट थोड़ा सा पहले, एक पॉइंट थोड़ा सा बाद में। तो ये जो इसके पहले पहला वाला जो पॉइंट है, वहाँ पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पॉइंट या पिजोमेट्रिक हेड कितना है? आप बोलेंगे सर इतना है। इस पॉइंट पर माय डियर फ्रेंड पिजोमेट्रिक हेड कितना है? ये रहा। लेकिन जैसे ही इसके बाद थोड़ा सा बाद आप देख रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं, तो एरिया में एकाएक चेंज आ गया, सडन एक्सपेंशन हो गया, तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा दैट मीन्स पिजोमेट्रिक हेड इंक्रीज कर गया। यानी इस पॉइंट पर, मिडिल वाले पॉइंट पर देखिए, पिजोमेट्रिक हेड एकाएक बढ़ गया और ये हमें मिल गया। तो इस, अब ध्यान दीजिए, ये पॉइंट आप किस में एज्यूम कर रहे हैं? इस पाइप में एज्यूम कर रहे हैं, स्मॉलर डायमीटर पाइप में एज्यूम कर रहे हैं। दैट मीन्स इसे हम लोग वन पॉइंट बोलेंगे। जैसे आप सेक्शन ले रहे थे ना, वन वन सेक्शन, तो वन सेक्शन है, दैट मीन्स यहाँ पर जो डायमीटर होगा वही डायमीटर यहाँ पर भी होगा, जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी यहाँ पर भी होगा। उसी तरह थोड़ा बाद में जो हम पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं, वो पॉइंट आपका टू हो गया, जो कि आप सेक्शन टू ले रहे थे, याद कीजिए। तो वहाँ पर जो एरिया होगा, वेलोसिटी होगा, वही एरिया और वही वेलोसिटी इस पॉइंट के लिए भी है। तो अब आप देखिए, इस वन पॉइंट पे पिजोमेट्रिक हेड कितना है? एट पॉइंट वन पिजोमेट्रिक हेड कितना होगा? पी वन बाय रो जी प्लस जेड। उसी तरह पॉइंट टू पर कितना होगा जी? इसको जेड वन बोल दीजिए। पॉइंट टू पर कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए ये वाला हो जाएगा, दैट मीन्स पी टू बाय रो जी प्लस जेड टू। लेकिन ये वाला पिजोमेट्रिक हेड ज़्यादा है और ये वाला पिजोमेट्रिक हेड कम है। कितना से कम है? तो साफ साफ लिख दिया है कि 10 mm से राइज कर गया है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन राइजेज बाय 10 mm, यानी ये पॉइंट जो है, ये लाइन पहले ये था, अब लाइन ये हो गया, तो कितना से राइज किया है? तो ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कितना, 10 mm। यहाँ पर पिजोमेट्रिक हेड कितना है? ये वाला है। यहाँ पर पिजोमेट्रिक हेड कितना है? ये वाला है। दैट मीन्स ये माइनस ये बराबर कितना हो गया? 10 mm। यानी क्या लिखेंगे आप? सो पी टू बाय रो जी प्लस जेड टू माइनस पी वन बाय रो जी प्लस जेड वन। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 mm। इसको आप मीटर में चेंज कर लेंगे, 10/1000 कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरह क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है और इसी चीज़ को आपको पकड़ना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और वो जो 10 mm दिया है वो किसके बराबर होगा? तो वो इसी के बराबर है माय डियर, क्योंकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कह रहा है कि 10 mm से राइज किया, 10 mm से राइज किया। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पर कोई भी पॉइंट क्या शो करता है? पिजोमेट्रिक हेड को, यानी ये पॉइंट शो करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा पहले तक, मतलब अभी तक क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ है, अभी तक एक्सपेंशन नहीं हुआ है, तो उस पॉइंट को शो कर रहा है। और ये वाला पॉइंट किसको शो कर रहा है? उस पॉइंट से थोड़ा सा बाद में, हल्का सा बाद में आप देख गए तो देख रहे हैं कि एकाएक एरिया चेंज कर गया, तो उस पॉइंट को शो कर रहा है। तो उसी दोनों का डिफरेंस आपका 10 mm दिया गया हुआ है। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, और अगर ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आप क्या करेंगे? इस वन पॉइंट और टू पॉइंट पे बर्नौलीज अप्लाई कर देंगे। आइए ध्यान देंगे आप, अप्लाइंग बर्नौलीज एट वन एंड टू। इस वन पॉइंट, सॉरी, इस वन पाइप का डायमीटर दिया हुआ है 0.24 मीटर, और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 0.48 मीटर। आइए अब देखिए, तो क्या लिखेंगे आप? P1 by rho g
प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड वन। अब टू पॉइंट पे, इस टू पॉइंट पे कितना एनर्जी होगा, कितना हेड होगा, क्या लिखेंगे आप? पी टू बाय रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड टू। लॉस कौन सा होगा? इस वन पॉइंट पे कोई लॉस नहीं था, लेकिन जैसे ही टू पॉइंट पर गया तो वन से टू तक जाने में सडन एक्सपेंशन लॉस तो आ गया ना जी। इस वन पॉइंट पे एक्सपेंशन अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही टू पॉइंट पर पहुंचे आप, तो आप क्या देख रहे हैं कि सडन एक्सपेंशन हो चुका है। दैट मीन्स सडन एक्सपेंशन लॉस आपको लिखना पड़ेगा। तो प्लस क्या लिखेंगे? सडन एक्सपेंशन लॉस, और वो कैसे लिखते हैं? वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर बाय टू जी। यही है आपका बर्नौलीज इक्वेशन। हमने वन एंड टू पॉइंट पर हमने अप्लाई कर दिया बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। देखिए, ये बराबर 10 mm दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? वी वन स्क्वायर बाई टू जी, इस वी टू स्क्वायर बाई टू जी को इस तरफ ले आइए, और फिर इसको भी इस तरफ ले आइए। वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर बाई टू जी इज इक्वल टू क्या होगा? बाकी सभी टर्म्स को उस तरफ लेके चले जाएंगे। दैट मीन्स पी टू बाय रोजी प्लस जेड टू माइनस पी वन बाय रोजी प्लस जेड वन। और ये वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है जी? 10 mm दिया हुआ है वो वैल्यूज। ठीक है, ये वैल्यूज देखिए, आपको 10 mm दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? दिस टर्म इज इक्वल टू 10 mm, या 10 बाय 1000 करना ही पड़ेगा, मीटर में चेंज करना होगा। सो यहां पर 2g LCM हो जाएगा। सो क्या लिखेंगे आप? वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर माइनस वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस टर्म, दिस होल टर्म इज 10 mm, दैट मीन्स 10 बाय 1000 मीटर। अब इसी को आपको बस सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी में रिलेशन मालूम चल जाएगा। आइए देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा एक्चुअल में। आइए सिंप्लीफाई कीजिए। सो वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वी वन स्क्वायर बाहर आएगा तो माइनस, प्लस वी टू स्क्वायर यानी माइनस वी टू स्क्वायर, माइनस टू वी वन वी टू तो प्लस टू वी वन वी टू डिवाइड बाय टू इंटू जी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा जी? 10 mm था ना। चलिए, तो ये हो जाएगा 0.01। ओके, वी वन स्क्वायर कैंसल आउट, यानी ये क्या हो जाएगा? टू वी वन वी टू माइनस वी टू स्क्वायर बाय टू जी इज इक्वल टू 0.01। यहाँ से देखिए वी टू कॉमन आ गया, तो क्या मिल जाएगा हमें? टू वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू टू इंटू जी का वैल्यू आप कुछ ले लीजिए। ठीक है, जी का वैल्यू आप कुछ ले लीजिए, 0.01। इस तरह लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप उसी तरह लिख दीजिए, टू वी वन वी टू माइनस वी टू स्क्वायर, ये कितना हो गया जी? 20 यानी 0.2। अब देखिए, अभी तक आपका सॉल्व नहीं हुआ है। दिस इज इक्वेशन नंबर वन, यानी आपको यहाँ पर दो वेलोसिटी अननोन है, तो आप नहीं जानते हैं कैसे फाइंड किया जाए। तो हम क्या करेंगे, हमें दोनों पाइप का डायमीटर दिया हुआ है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं, और जब हमें एरिया मालूम है तो हम वेलोसिटी का रिलेशन मालूम कर सकते हैं। मतलब अब यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, तो आइए अप्लाई करते हैं। ए वन वी वन इज इक्वल टू क्या होगा? ए टू वी टू, यहीं से हमें वेलोसिटी का रिलेशन मालूम चलेगा, और यही रिलेशन यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू, सोचिए इस डायमीटर का डबल है, ये इस डायमीटर का डबल है ना जी। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर,
वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए टू बाई ए वन लिखेंगे ना जी, ओके, ए टू पाई बाय फोर डी टू स्क्वायर, ए वन पाई बाय फोर डी वन स्क्वायर, पाई बाय फोर कैंसल आउट, तो इसे आप लिख सकते हैं डी टू बाई डी वन का होल स्क्वायर। डी टू कितना है जी 0.48, डी वन कितना है 0.24, ये दो बार में कटेगा, टू का स्क्वायर 4, यानी माई डियर फ्रेंड वी वन बाई वी टू कितना निकल गया 4, सो वी वन बराबर क्या हो जाएगा 4 वी टू। देखिए वी वन बराबर हमें कितना मिल गया 4 वी टू मिल गया, एक रिलेशन हमें मिल चुका है दोनों वेलोसिटी में, और जैसे ही दोनों वेलोसिटी के बीच हमें रिलेशन मिला है अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यही रिलेशन हम लोग यहाँ पर इक्वेशन वन में पुट करेंगे, फ्रॉम वन वी वन बराबर 4 वी टू, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू वी वन, वी वन के जगह पर 4 वी टू इंटू वी टू माइनस वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2, ये हो गया 8 वी टू स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, 7 वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2, तो यहाँ से आपका वी टू निकल जाएगा, यहाँ से आपका वी टू निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी निकल जाएगा, और जैसे ही वेलोसिटी निकलेगा आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे डिस्चार्ज पूछ रहा था, सो डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या लिख देंगे आप ए टू वी टू, सो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा ए टू वी टू। जरूरी नहीं है कि आप ए वन वी वन निकालिए, वी टू निकलने के बाद ऐसा मत कीजिए कि वी वन निकाल लीजिए फिर हम ए वन वी वन, क्या जरूरी है, डिस्चार्ज तो सेम रहेगा चाहे ए वन वी वन निकालिए चाहे ए टू वी टू निकालिए, तो वी टू जैसे ही निकलेगा हम लोग ए टू वी टू कर लेंगे तो हमारा डिस्चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा था, ठीक है, हमने बस कुछ नहीं किया, हमने बस सिंप्लीफाई किया इसको, ठीक है, यहाँ से माइनस वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर प्लस, फिर ये आपका कैंसिल आउट हो गया, फिर इसी तरह हमने यहाँ पर इसको इक्वेशन वन मान लिया, और फिर यहाँ पर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हमें निकालने के लिए हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन का सहारा लेना पड़ा, तो वेलोसिटी के बीच का रिलेशन मालूम चल गया, तो वी वन के जगह पर हमने 4 वी टू पुट कर दिया तो हमारा वी टू निकल गया और फिर डिस्चार्ज निकल गया। तो ये सब तो आसान है, ये सभी तो आसान है, तो यहाँ पर ध्यान क्या देना था, ध्यान सिर्फ ये देना था, क्योंकि ये जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि 10 mm किसका वैल्यू है तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। एंड आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो चलिए माय डियर आज के इस सेशन को अब यहीं पर स्टॉप किया जाए, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा सेशन को, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू माय डियर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, सो थैंक यू, बाय बाय।